हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम रवि प्रजापति और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, वीडियो में आज हम जो टॉपिक लाए हैं, हमारे पास है अपाची RTR 160 cc बाइक, और इसमें हम आपको दिखाएंगे इसके पिस्टन और रिंग की फिटिंग की कैसे इसकी सिलेंडर किट को क्रैंक की रोड में फिट किया जा सकता है। साथ ही हम आपको इसकी हेड की फिटिंग भी दिखाएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, ये जो आप देख पा रहे हैं, ये क्रैंक की रोड है और इसमें पिस्टन की गजल पिन को हमें फिट करना होगा। दोस्तों, ये जो आप देख पा रहे हैं, ये इसका पिस्टन है और ये गजल पिन है। इस गजल पिन को ही हमें इस क्रैंक की रोड में यहाँ पर फिट करना है। तो चलिए दोस्तों, इसको लगाते हैं। इसको लगाने के लिए सबसे पहले हमें इस पर एक पैकिंग लगाना होगा। ये जो आप देख पा रहे हैं, ये इसकी आप फिट है, इसमें से ही हम इसका पैकिंग लगाएंगे। दोस्तों, ये जो आप देख पा रहे हैं, ये इसका पैकिंग है। इस पैकिंग को हमें यहाँ पर लगाना होगा। इसे लगाने के लिए दोस्तों, थोड़ा एनाबॉन्ड इस पर हमें लगा लेनी होगी। ये जो आप देख पा रहे हैं, ये एनाबॉन्ड 696 है। इसे लगाने का जो रीज़न है वो यही है दोस्तों की प्रॉब्लम न रहे। लग चुकी है। अब इसके बाद इसके पैकिंग को हम यहाँ पर लगाएंगे। ये देखिए, पैकिंग अब यहाँ पर लग चुका है। इसके बाद इसके पिस्टन को हम इसकी क्रैंक की रोड में फिट करेंगे। सिलेंडर किट को हम ऐसे करके यहाँ पर लगाएंगे। इसके बाद दोस्तों, इसकी गजल पिन पर हम हल्का हल्का चोट मारेंगे। ये देखिए, गजल पिन अंदर जा चुकी है। इसके बाद इसके ऊपर की साइड हमें एक लॉक लगाना होगा। दोस्तों, ये जो आप देख पा रहे हैं, ये इसका लॉक है। इस लॉक को हम यहाँ पर लगाएंगे गजल पिन के ठीक ऊपर। इसे ऐसे करके हमें यहाँ पर लगाना होगा और बारीक पेचकस की मदद से इसे अंदर की साइड हम कर देंगे। ये देखिए दोस्तों, लॉक अब लग चुका है। इसके बाद पिस्टन को हम अंदर की साइड दबाएंगे। ये देखिए, पिस्टन अंदर जा चुका है। इसके बाद इसके सिलेंडर किट को हम नीचे की साइड लगा देंगे। देखिए दोस्तों, सिलेंडर किट अब लग चुकी है। इसके बाद पिस्टन को हम ऊपर की साइड लाएंगे। इसके बाद दोस्तों, ये जो आप देख पा रहे हैं, ये इसके 10 नंबर के बोल्ट हैं, इन्हें हमें यहाँ पर लगाना होगा। 10 नंबर के पानी की सहायता से इन्हें हम अच्छी तरीके से टाइट कर देंगे। ये जो आप देख पा रहे हैं, ये इसकी टाइमिंग चेन है, इसे हमें लगाना होगा। ये देखिए, ये ओरिजिनल TVS की टाइमिंग चेन है और इसका जो प्राइस है वो 472 रुपये दिखा रहा है। और ये जो आप देख पा रहे हैं, ये इसकी ओल्ड चेन है जो डैमेज हो चुकी है। टाइमिंग चेन को हम यहाँ पर लगाएंगे। ये जो आप देख पा रहे हैं, क्रैंक की रोड की गरारी है। इस गरारी पर इसे हमें यहाँ पर चढ़ाना होगा। ये देखिए, यहाँ पर लग चुकी है। इसके बाद ये जो आप देख पा रहे हैं, ये चैन पैड है। चैन पैड को हम यहाँ पर लगाएंगे।
दोस्तों, इसके हेड का पैकिंग हमें लगाना होगा। ये जो आप देख पा रहे हैं, ये इसके हेड का पैकिंग है। इसके दोनों साइड हमें एनामोड लगा लेनी होगी। ये देखिए दोस्तों, एनामोड लग चुकी है। इसके बाद इसके हेड के पैकिंग को हम यहाँ पर लगाएंगे। और इसके टाइमिंग चैन को हम बाहर निकाल लेंगे। ये देखिए पैकिंग यहाँ पर लग चुका है। ये जो आप देख पा रहे हैं, ये इसकी हेड की बोगली है। इस हेड की बोगली को हमें यहाँ पर लगाना होगा। ये देखिए ये यहाँ पर लग चुकी है। इसके बाद ये जो आप देख पा रहे हैं, ये इसका हेड है। इस पर भी हमें थोड़ा एनामोड लगा लेना होगा। देखिए एनामोड अब अच्छी तरीके से लग चुकी है। इसके बाद इसके हेड के हम ऐसे करके यहाँ पर लगाएंगे। और इसकी टाइमिंग चैन को हम बांट, ये जो आप देख पा रहे हैं, ये इसकी दूसरी चैन पैड है। इसे हमें यहाँ पर लगाना होगा। ये ऐसे करके लगेगी दोस्तों। और इसके बाद यहाँ का एक बोल्ट 12 नंबर का है, उसे हमें लगा देना होगा। ये जो आप देख पा रहे हैं, ये इसकी चैन पैड का बोल्ट है। इसे हमें यहाँ पर ऐसे करके लगाना होगा। देखिए लग चुका है दोस्तों। इसके बाद इसके हेड को हम नीचे की साइड दबाएंगे। ये देखिए दोस्तों, हेड अब लग चुका है। इसके बाद इसके ऊपर की साइड के 4 बोल्ट और वाशर दे गए हैं, उन्हें हमें लगा देना होगा। ये जो आप देख पा रहे हैं, ये इसके हेड के बोल्ट और सभी वाशर हैं। इन्हें हमें ऐसे करके यहाँ पर लगाएंगे। और सभी बोल्टों को चढ़ा देंगे। इसके बाद दोस्तों 12 नंबर के गुटके और हैंडल की सहायता से हम इन्हें अच्छी तरीके से टाइट कर देंगे। ये जो आप देख पा रहे हैं, ये 12 नंबर का गुटका है और ये अपनी हैंडल है। इसकी सहायता से हम इन्हें अच्छी तरीके से टाइट करेंगे। दोस्तों जो पिस्टन और हेड की फिटिंग का वीडियो था वो कम्प्लीट हो चुका है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया करके हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। और साथ ही बेल आइकन की घंटी वाला बटन दबाएं, जिससे आपको हमारी आने वाली सभी वीडियो की अपडेट मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।